अच्छाई के अंदर वो गुण होता है कि सारी दुनिया उसे चाहती है, दुर्जन भी चाहते हैं, दुष्ट भी अच्छे को ही चाहते हैं, ये ध्यान रखना। भलो भलाई पह लई लई निचाई नीच, नीच आदमी वैसे तो अच्छाई को भी नीचा ही करता है पर भले को वो भी मानता है। तो हम सबको चाहिए कि हम भले बने। नंद यशोदा पूरे गोकुल में भले इंसान थे, इसलिए उन्हें बुढ़ापे में संतान मिली, वो भी भगवान अवतारी पुरुष, संतोष धैर्य से जीवन जिया और गांव के लोगों की सेवा, गौशाला की सेवा करते रहे। अंतिम बुढ़ापे में भगवान आ गए, उनके घर पुत्र बनकर उनका बुढ़ापा सुधार दिया। पांडाल में जितने नर नारी बैठे हैं इनका बुढ़ापा ही खतरे में है, बाकी जवानी भवानी तो बिता ली अपन ने अपने बल पर। अब हमें परिवार की, समाज की जरूरत बुढ़ापे में पड़ती है। बुढ़ापे में लोग मुख मोड़ लेते हैं, नारी की तो बहुत ख्वारी होती है बुढ़ापे में। पुरुष को तो रोटी मिल भी सकती है पर माताओं का बुढ़ापा बहुत खराब होता है। इसलिए भारत में जितने वृद्धाश्रम हैं सब में अगर 5 बूढ़े लोग हैं तो उसमें 75 माताएं हैं बूढ़ी। वैसे कहते हैं भारत की जनसंख्या में स्त्रियों की गिनती कम है पर वृद्धाश्रमों में गिनती ज्यादा है, कथा में गिनती ज्यादा है, मंदिरों में ज्यादा है, सब जगह महिलाएं ज्यादा हैं पर खाली जनगणना में कम है। अब समझ में नहीं आता कि जनगणना में कम है और वैसे दिखने में ज्यादा है महिलाएं। पंडाल में खड़े होके देखो समझ जाएंगे आपको, इतना फर्क है पुरुष स्त्री में धार्मिकता में। 75% हिस्से में माताएं बैठी हैं पांडाल में और 20% में पुरुष बैठे हैं। इसका गणित लगा लो पूरे परतवाड़ा में यही गणित है। जब माताएं आई हैं इनके पति और आ जाते तो ऐसे 2 पांडाल लगाने पड़ते तब आते। पर पुरुषों में भक्ति प्रधानता कम पाई जाती है, स्त्रियों को भक्ति प्रधान माना गया है। स्त्री चाहे चल चरित्र से खराब हो पर फिर भी भगवान को मानने वाली होती है, वो चरित्र गया है, चंचलता है चरित्र में पर भगवान के प्रति खूब प्रेम होता है। और तुम्हारी वजह से ही परिवारों को सुख मिलता है, कृपा मिलती है ठाकुर जी की, औरतों की वजह से, महिलाओं की वजह से घर में हंसी खुशी होती है। जिस घर में महिलाएं नहीं है कोई पुरुष है वो घर भूत खाना लगता है। उस घर में रहना एक दिन बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि महिला के अंदर ऐश्वर्य की पावर है, महिला के अंदर आकर्षण की पावर है जो लक्ष्मी ने दी है, सरस्वती ने दी है, आप उनका रूप हैं। इसलिए जितने भी धार्मिकता है वो सब महिलाओं से जीवित है। अगर पुरुषों के ऊपर ये डिपेंड हो जाए तो पांडाल सूने पड़े रहेंगे, मंदिर सूने पड़ जाएंगे, पूजा पाठ सूने हो जाएंगे, व्रत उपवास तिथियां महिलाओं की वजह से भरी हुई हैं, नहीं तो ये तिथि सब रिक्त हो जाएंगी, सब खाली पड़ी रहेंगी, कोई गुरुवार नहीं पकड़ेगा, कोई एकादशी नहीं पकड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नंद घर आनंद भय, जय हो कन्हैया लाल के। लंबा समय लगा नंद यशोदा के पुण्य को उदय होने में पर हो गया।